बाकी लोग हमें ज्वाइन करते, तब तक अगर कोई क्वेश्चन है ट्रिपल के बारे में तो भी कोई पूछना चाह रहे तो प्लीज पूछ ले। बट हम 2 मिनट के बाद, बल्कि 1 मिनट के बाद, 10:20 पे फिर एरे स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिपल के हवाले से कोई क्यूरी वगैरह है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। चलो जी आगाज करते। अभी हमने ट्यूपल पढ़ा। ट्यूपल और एरे तकरीबन एक ही तरह की चीज है, दोनों हेट्रोजीनियस डेटा और होमोजीनियस डेटा। सिर्फ ये उन दोनों में फर्क है कि वो दोनों मल्टीपल वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल बनता है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है। सिर्फ फर्क ट्यूपल और एरे में क्या होता है, ट्यूपल जो है उसमें मुख्तलिफ डेटा टाइप का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि हमने टुपल जो बनाया था उसमें हमने रोल नंबर रखा था इंटीजर टाइप में, इसी तरह एज रखी थी फ्लोट टाइप में, इसी तरह से पास फेल स्टेटस रखा था करेक्टर टाइप में, और जो प्रोमोशन का स्टेटस है उसकी कि नेक्स्ट मौसम में प्रोमोट हुआ कि नहीं हुआ, वो बूल टाइप का वेरिएबल हमने रखा था। तो हमने वो जो चारों स्केलर टाइप पड़ी थी उन चारों को हमने टुपल में यूज कर लिया था। एरे में सिर्फ एक इशू है कि एरे में आप जो डाटा रखते हैं वो एक ही टाइप पर रख सकते हैं। अगर आप करेक्टर एरे बना रहे हैं तो सब की सब पार्ट ऑफ दैट एरे जो है वो करेक्टर ही होंगे, और अगर आप न्यूमेरिक यानी कि इंटीजर टाइप का बना रहे हैं तो सारे के सारे इंटीजर ही होंगे। ठीक है, फ्लोट बना रहे हैं तो सारे के सारे जो मेंबर ऑफ दैट एरे हैं वो सब के सब फ्लोट होंगे। अभी डिपेंड करते हैं ना कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा उस्मान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उस्मान अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो काइंडली ना या तो इसी चैट विंडो में मैसेज लिख दें, या फिर ये है कि आप अपना माइक ऑन करके पूछ लें जो कहना चाह रहे हैं। चलें, अगर कुछ नहीं कहना चाह रहे तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर कि आपका जो प्रोग्राम है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर तो आपने कोई इस तरह के डेटा के ऊपर काम करना है कि जिसमें आपने लाइक मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ वन एंटिटी देखने हैं, जिस तरह कि हमने एक स्टूडेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे और उनकी डेटा टाइप भी डिफरेंट है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप टुपल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम एक और केस लेते हैं और वो केस लेके आगे चलते हैं। ओके, तो अगर हम एक केस लेके आगे चलते हैं कि हम अब रिजल्ट बना रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं, तो अब हम सिर्फ उन पास होने वाले स्टूडेंट्स के रोल नंबर किसी वेरिएबल में रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो को हम सपोज ले लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पास हो गए और वो जो पास हुए में ना और नेक्स्ट में प्रमोट हो गए, उनका सिर्फ अब हम जो है ना रिकॉर्ड अपने पास रखना चाह रहे हैं कि ये 5 स्टूडेंट्स जो हैं ये नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे। और जाहिर है सबका हम चूंकि सिर्फ रोल नंबर रख रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि अब हमारे पास जो वैल्यू है वो एक ही तरह की आएगी। वो रोल नंबर हमने रखा था इंटीजर, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब 5 फिगर्स आएंगी, 5 रोल नंबर्स आएंगे जिनकी टाइप होगी इंटीजर जो कि सेम होगी। ठीक है, तो इस एजम्पशन के ऊपर अब हम अपना एरे का प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना कि कहाँ पे आपने लाइक एरे यूज करना है, कहाँ पे टुपल यूज करना है,
ये अब आपके प्रोग्राम्स की जो आने वाले प्रोग्राम्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक, तो इस एस्पेक्ट को सामने रखते हुए अब हम जाने लगे हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो ये आ गया हमारा पुराने वाला प्रोग्राम जिसको हम चेंज करने लगे हैं। क्या तो हम क्या करने लगे हैं कि हम अब एक कह रहे हैं कि एक एरे बना रहे हैं जिसके अंदर हम पास स्टूडेंट का डेटा रखना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि जनाब पास स्टूडेंट जिसकी टाइप I32 हो वो एरे बना लो एक। उसके अंदर हमने चार स्टूडेंट्स के रोल नंबर दे दिए। तो आप गौर करें तो देखें ये चारों जो वैल्यूज हैं ये चारों एक ही डेटा टाइप की हैं, I32 टाइप की हैं। ठीक है, थीके? तो एरे डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है जैसा कि हमने टुपल में देखा था कि टुपल में जब हम कोई वैल्यू बनाने लगते हैं, कोई एरे मतलब टुपल बनाने लगते हैं, तो हम उसको स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हुए उसकी वैल्यू दे रहे होते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो जब हम एरे बनाते हैं तो इसमें टुपल में फर्क ये है कि जब हम एरे बना रहे होते हैं तो इसको बनाते हुए जो वैल्यूज हम देते हैं वो जो स्क्वेयर ब्रैकेट है या जो उसको हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं उसके अंदर इनक्लोज करते हुए हम वैल्यूज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर जो रस्ट का जो कंपाइलर है उसको पता चलता है कि आप इस वक्त टुपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या एरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने ख्याल रखना है कि जब आप एरे बनाएंगे तो आपने स्क्वेयर ब्रैकेट यूज करने हैं और जब आप टुपल बना रहे होंगे तो आपने स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज देनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पास स्टूडेंट नाम का एक एरे बना लिया जिसकी टाइप हमने I32 रख दी और उसके अंदर हमने चार वैल्यूज दे दी। ये हम समझ रहे हैं कि कुछ चार रोल नंबर्स हैं। अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। हम कहते हैं जी पास्ट स्टूडेंट वन और इन वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम एरे का नाम लिखते हैं और स्क्वेयर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स दे देते हैं। इंडेक्स से क्या मुराद है कि आप एरे को जितनी वैल्यूज देते हैं ना वो चली जाती हैं 0, 1, 2, 3, 4 के इंडेक्स पे स्टोर होना शुरू होती हैं। तो सबसे पहली वैल्यू होती है वो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होती है, जो सेकेंड वैल्यू होती है वो इंडेक्स 1 पे, जिस तरह के ट्यूपल के केस में था। अब एक्सेस करने में थोड़ा सा फर्क है, अगर ये पास स्टूडेंट एक टुपल होता तो हम इसको एक्सेस करते डॉट जीरो लगा के। ठीक है, जो कि हमने अभी पिछले प्रोग्राम में देखा भी था। लेकिन एरे के केस में क्या होता है कि हम उसी तरह से नाम लिखते हैं फिर डॉट जीरो देने के बजाय ये ब्रैकेट स्क्वेयर ब्रैकेट दे के उसमें वो नंबर दे देते हैं कि जिस नंबर के ऊपर मौजूद वैल्यू को हम एक्सेस करना चाह रहे होते हैं। तो अभी हम इसकी पहली वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर दे दिया 0। ठीक है, इसी तरह हम देखना चाहते हैं कि अगला स्टूडेंट कौन सा है जो पास हुआ, फिर
उससे अगला कौन सा है और उससे अगला कौन सा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम रेलेवेंट इंडेक्सेस दे देंगे, ठीक है जी। तो हमने ये ऊपर चार ही वैल्यूज डाली थी, नीचे हमने चार ही ये इंडेक्सेस डाल दी, और अब हम इस प्रोग्राम को कोशिश करते हैं रन करवाने की और देखते हैं कि क्या इसका जो है ना रिजल्ट आएगा। ओके फाइन, तो हम यहाँ पे करते हैं कार्गो रन। और ले जनाब हमारी एरर हैंडलिंग स्टार्ट हो गई। तो ये कह रहा है कि जनाब मैं इसको कंपाइल नहीं कर पा रहा। क्यों कंपाइल नहीं कर पा रहा? अच्छा, इसमें ना जब भी आपको कोई एरर आता है, हम तो आपकी एरर वाली प्रैक्टिस भी करवाया, अच्छा जब भी कोई एरर आता है तो सबसे पहले एरर के ऊपर आप जाएं, ठीक है। क्योंकि अमूमन ये होता है कि वो जो पहला एरर होता है वो बाकी सारे एरर्स का पेश खेमा होता है। तो जनाब ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड I32 फाउंड एरे ऑफ फोर एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एरर आ रहा है ये कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन नंबर 3 में आ रहा है, ठीक है। और कहाँ पे आ रहा है, ये जो I32 है इसकी वजह से आ रहा है। देखिए कह रहा है एक्सपेक्टेड I32 फाउंड एरेज ऑफ फोर एलिमेंट्स। तो ये कह रहा है कि आप ये जो इसकी I32 है इसको वहाँ से हटा दें, ठीक है। इसने हमें एग्जैक्टली उस लाइन तक पहुँचा दिया जिस लाइन के ऊपर जाके हम इस मामले को दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ वापस। ठीक है, यहाँ पे एरर था, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था I32, इसकी वजह से उसने एरर दिया। और एरर उसने क्या दिया, वो कहते हैं कि जी मुझे तो आप कह रहे थे कि मैं आपको I32 की वैल्यू दे रहा हूँ, लेकिन आपने तो मुझे पूरा एरे दे दिया। तो आपने ख्याल रखना है कि जब आप एरे डिक्लेयर कर रहे हो और उसकी टाइप बताएं, तो टाइप बताते हुए चूंकि आप एरे बना रहे हैं ना, तो इस वैल्यू को भी ब्रैकेट, ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट होते हैं ना, ये डाल दें। तो अब इसको पता चल रहा होगा कि ये जो बेसिकली आप वेरिएबल बना रहे हैं, ये जो आप वेरिएबल बना रहे हैं ये किस टाइप का है, I32 टाइप का है। बल्कि हम एक और काम करते हैं, फिलहाल इस कम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ते, हम एहतियातन यहाँ से इसकी जो ये टाइप है ना, इसको फिलहाल ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि लेट पास स्टूडेंट इज इक्वल टू 1000, 1002, 1004 और वट एवर जो भी हमने वैल्यूज दिए, 1005, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ से ये पुराने वाले एरर को हम क्लियर की कमांड से क्लियर करते हैं, सॉरी। और फिर हम दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो देखें उसने अब इस प्रोग्राम को रन कर दिया
और रन करने के बाद उसने हमें चार स्टूडेंट्स का डाटा शो कर दिया जो कि हमने उस वैल्यू में डाला था, ठीक है। तो ये हमारा एक एरे बन गया जिसके अंदर, सॉरी आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया, आई एम सॉरी। तो ये देखें, ये हमने कार्गो रन किया तो ये उसने हमें चार स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। जो कि ये जो पास स्टूडेंट वन है इसकी जो वैल्यू आ रही है वो एरे स्क्वेयर ब्रैकेट और जीरो से आ रही है, यानी कि एरे नेम था हमारा पास स्टूडेंट। तो ये जो आ रही है पहली वाली, ये आ रही है पास स्टूडेंट जीरो से, फिर वन से, फिर टू से, फिर थ्री से। तो इस तरह से हमने ये चार एस्पेक्ट्स जो हैं इनको एक्सेस कर लिया किसी एरे के। वापस हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो ये है सिलसिला हमारा एरे को बनाने का और एक्सेस करने का। अच्छा, हमने ना अपने शायद सेशन नंबर 7 में या 6 में, खैर 7 में हमने डिस्कस किया था कि हम एक थे, मैंने आपको बताया था कि एक थे कंपाइल टाइम एरर्स और एक थे रन टाइम एरर। तो वहां पे हमने कंपाइल टाइम एरर को डिस्कस भी किया था, देखा भी था। अब अभी हम देखने लगे हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर वो होते हैं जो कि कंपाइलर जिनको नहीं पकड़ पाता, वो आपके लॉजिक के अंदर होते हैं और सॉरी। अच्छा, तो अब हम एक यहाँ पे ना कंपाइल टाइम और एक रन टाइम एरर डिक्लेयर करवाने लगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ना एक और एरे को एक्सेस करने, एक एरे के एक और पार्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑफ हो गया, मेरे ख्याल उसकी बैटरी ख़त्म हो गई। वहाँ से मुझे आइडिया मिल रहा होता था कि क्या चल रहा है सेशन में, कोई इशू तो नहीं है। तो अब मैं कर ये रहा हूँ कि मैं आप लोगों को आपके माइक्रोफोन्स की पावर जो है वो आप लोगों को मैं वापस कर रहा हूँ। तो अगर कोई इशू आया तो मसूद साहब आप जो है ना मुझे अपडेट कर दीजिएगा अपना माइक अनम्यूट करके, ठीक है। क्योंकि अब मुझे मेरे मतलब मैंने मोबाइल से भी लॉगिन किया होता था तो मुझे साथ साथ नज़र आ रहा होता था कोई इशू आ जाए, लाइक जिस तरह स्क्रीन अगर शेयर नहीं हुई प्रॉपर, आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, तो मैं वहाँ पर देख रहा होता था कि जो स्क्रीन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वही नज़र आ रही कि नहीं आ रही। तो अब चूंकि मेरा वो मोबाइल ऑफ हो गया तो अब इसलिए मुझे नहीं पता। तो अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई स्क्रीन नज़र ना आ रही हुई या जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में, लाइक अगर हम स्लाइड के ऊपर हैं और आपको स्लाइड की जगह वही पुराना कोड नज़र आ रहा है तो आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलो जी, अभी हमने क्या कर रहे हैं, अब हम एक रन टाइम एरर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि देखिए, हम कर ये रहे थे कि हमने ये जो पास स्टूडेंट नाम का एरर बनाया था। हेलो जी जी, हेलो, स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपकी, कुछ भी कोई भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा चले, थैंक यू, आपने अच्छा किया। नहीं, आपकी वो ऊपर पिक्चर आ रही है, वो स्क्रीन प्रॉपर नहीं आ रही होगी। ओके फाइन, शेयर नहीं हुई जी, बिल्कुल मैं देख लेता हूं। ओके अब आ रही है जी, अब हो गया सर। चलें, अच्छा यहां पे हम ना एक रन टाइम एरर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर हमने एरे बनाया है, इसके टोटल चार मेंबर्स हैं या इस एरे के चार एस्पेक्ट्स हैं ना, और इनको हम 0, 1, 2, 3 से एक्सेस कर सकते थे और अभी हमने एक्सेस करके देखा भी, हमने उनकी वैल्यूज प्रिंट कराई पास स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 करके। अब हम एक इसके अंदर एरर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एरर क्या इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि हम इसको कह रहे हैं कि 5 नंबर एरे का जो 5वां एलिमेंट है ना उसकी वैल्यू प्रिंट करो, जबकि हमारा एरे जो है ये चार एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, 5वां एलिमेंट इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस। तो होपफुली आपको कमांड प्रॉम्प्ट अब नजर आएगा, अगर नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि कमांड प्रॉम्प्ट नजर नहीं आ रहा। तो सबको आ रहे हैं नजर कमांड प्रॉम्प्ट, शेयर हो गया? ओके, होपफुली हो गया होगा।
अब हम ये जो हमारे पास अभी फिलहाल रीडिंग आ रही है, इसको मैंने क्लियर नहीं किया, ये पुराना जो हमने प्रोग्राम रन किया था जिसके अंदर चार ही एरे थे और चार को ही हमने प्रिंट करवाया था, यानी कि 0, 1, 2, 3 वाले इंडेक्सेस को, तो वो हमारे सामने रीडिंग आ रही है। अब हम इसको चेंज करने के बाद दोबारा रन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे देखें उसके पास अब फिर से एरर आ गया, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का। तो अभी हुआ क्या कि इसने यहाँ पे एरर दे दिया हमें, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, द लेंथ इज 4 बट द इंडेक्स इज 5। तो आप देखें कि ये जो एरे है या ये जो रस्ट का कंपाइलर है, कितने अच्छे तरीके से आपको गाइड करता है कि आपने कहाँ पे गलती की है और क्या गलती की है। देखिए ये मुझे बता रहा है कि लाइन नंबर 8 है जिसमें एरर आया, एरर कहाँ पे आया, ये जो लाल रंग की लाइन शो कर रहा है इस जगह के ऊपर, यानी कि इस जगह के ऊपर एरर है, ठीक है, और एरर की पॉसिबल वजह क्या बन रही है वो इसने यहाँ पे बता दिया है कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कि जो आपका जो एरे का जो इंडेक्स है वो आपने आउट ऑफ बाउंड यानी कि अपने लिमिट से बाहर जाके यूज कर रहे हैं, जो एरे की लेंथ है वो 4 थी मगर जो आप इंडेक्स एक्सेस करना चाह रहे हैं 8 नंबर लाइन में वो है 5। अब हम वापस जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और जाकर देखते हैं कि क्या लाइन नंबर 8 में ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ जाके देखते हैं, तो अब ये देखिए लाइन नंबर 8 है, एग्जैक्टली 8 नंबर लाइन में हमने यहाँ पे इंडेक्स 5 को एक्सेस करने की कोशिश की थी, तो कंपाइलर ने उसको पकड़ भी लिया और वो एरर शो भी कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से वो जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी ना कि आप एरर्स को पढ़ें और कोशिश करें, इसमें सबसे पहले लॉजिक ये रख लें कि आपने सबसे पहले वाले वो जो एरर है ना, इनके एरर अगर आपके 5, 6, 7, 8 आ रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले वाले एरर के ऊपर चले जाएं, सबसे ऊपर जो आ रहा होता है, और उसको सही करने की कोशिश करें। अगर वो सही हो गया, कई बार ये होता है कि आपके वो पहले वाले एरर की वजह से ही नीचे वाले सारे एरर आ रहे होते हैं, तो अगर आप वो पहला वाला एरर सही कर लें तो ऑटोमेटिकली अगले वाले सारे एरर या उनमें से काफ़ी सारे एरर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि आपने एक वेरिएबल ऊपर गलत डिक्लेयर कर दिया, जिस तरह मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया पास स्टूडेंट्स और ऊपर एस लगा दिया, और नीचे जब मैं उनको एक्सेस कर रहा हूँ तो वहां पे मैं एस लगाए बगैर पास स्टूडेंट्स एक्सेस कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि मुझे मल्टीपल एरर्स आएंगे और वो एरर ये कह रहे होंगे बार बार कि पास स्टूडेंट एक्सेसिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा वेरिएबल, यानी कि मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया एस के साथ पास स्टूडेंट्स, और नीचे जहां मैं एक्सेस कर रहा था चार लाइनें जो लिखी हैं प्रिंट एलन वाली, उनमें अगर मैं एक्सेस कर रहा था एस लगाए बगैर वेरिएबल के नेम में, तो वो मुझे चार एरर देगा कि जो पास स्टूडेंट्स नाम का वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब मैं सबसे पहले जाके देखूंगा पहली वाली लाइन में, तो वहीं से मुझे पता चल जाएगा कि जनाब मैंने तो जो वेरिएबल बनाया था वो तो एस के साथ था, यहाँ मैंने एस नहीं लगाया, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऊपर जाके वो जो एस है वहां ऊपर डिक्लेयर करते हुए वहां से भी हटा दूंगा, ठीक है, और जो ही वहां से मैं हटाऊंगा तो मेरे चारों एरर रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अब उसको रैम में वो पास स्टूडेंट बगैर एस वाला जो वेरिएबल नेम है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब एरर निकालने वाला काम करना है, इसमें आपने हमेशा पहले एरर के ऊपर तवज्जो देनी और उसको थोड़ा सा पढ़ना है, कंपाइलर आपको बड़े अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ हिंट दे रहा होगा, उन हिंट्स को थोड़ा सा पढ़ें, आइडिया लगाएं, तो होपफुली आप बहुत जल्दी जो है ना एरर, वो जो डिबगिंग का प्रोसेस होता है कि एरर्स निकालने का प्रोग्राम ऐसे प्रोसेस होता है, उसके ऊपर आपको अच्छी खासी ग्रिप हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं, हमारी स्लाइड शायद ख़त्म हो गई है जो आज का हमने सेशन के लिए डिसाइड किया हुआ था। तो हेलो, जी जी मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी पूछो। आई जो हमने भी प्रोग्राम बनाया है, आपने इसमें रोल नंबर सपोज किया कि आपने एग्जांपल के तौर पे डाला है, तो अगर इसमें हम देखें चार स्टूडेंट्स का डाटा आपने डाला है, अब अगर हमें ज्यादा स्टूडेंट्स का डाटा डालना हो, लाइक अगर 200, 300 लोग हों, तो हमें हर किसी के लिए ही रोल नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा और सारा ये मेंशन करना पड़ेगा, फिर हमारा प्रोग्राम रन होगा। हाँ जी ऐसा ही होगा, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये भी होता है ना कि जब आपके 200-300 वाला काम होता है और इस तरह की कोई चीज हो रही होती है तो फिर हम डेटाबेसेस में चले जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ओके, डेटाबेसेस हम शायद तीसरे सेमेस्टर में जाके पढ़ें या जब भी पढ़ें, हो सकता है इसी सेमेस्टर में सर हमें करवाते हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन जो इस तरह का जो डेटा होता है ना वो फिर डेटाबेसेस में डील हो रहा होता है। हाँ ओके, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो होता है एक होता है कि डेटा एंट्री करना, उसके हवाले से तो ये बात है। हाँ अगर आपको एक डाटा मिल गया, हम यूं करते हैं नॉर्मली इस काम के लिए, चले मैं आपको ना एक बार ये कंप्लीट कर लूँ, आखिर में मैं आपके इस क्वेश्चन का दोबारा से जवाब देता हूँ,
अच्छा, इसके बाद ना एक तो ये बता रहा है कि आपने ये लिखते हुए इसके अंदर आपने ऐसे करना है, और उसके बाद ये देखें ये वाली एग्जांपल दे रहा है कि आपने एरे को आप एक बार जब बना लें तो उसको ग्रो या श्रिंक नहीं कर सकते, यानी कि एरे जब आपने शुरू में बना लिया तो उसके अंदर जितने आपने एलिमेंट दे दिए उतने ही एलिमेंट उसके फिक्स हो जाएंगे, आप ना उनको कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इसी तरह करते हैं कि लेट एरे नेम इज इक्वल टू और आगे उसके स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट दे देते हैं। ये आपको सबको मेरे ख्याल में अब वो नज़र आ रही होगी जो मेरी स्लाइड्स हैं वो। और उसके बाद आपने अगर किसी एरे के एक्सेस को एरे की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो आप वो एरे ज़ीरो एरे वन एरे टू करके एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, हम अपने अपने प्रोग्राम में प्रिंट एलन करवा लिया था, प्रिंट एलन की जगह वही वैल्यू आप किसी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हैं कि हम कह देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट फर्स्ट स्टूडेंट यानी कि वेरिएबल नेम इज इक्वल टू पास स्टूडेंट डॉट पास स्टूडेंट और स्क्वेयर ब्रैकेट में जीरो। तो जो पास स्टूडेंट जीरो है उसका जो डाटा है वो इस वाले वेरिएबल में चला जाएगा जो कि हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। यानी कि आप जिस तरह हमने टुपल में देखा था ना कि हमने रोल नंबर या आरएन नाम का एक वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर टुपल डॉट जीरो टुपल डॉट वन की वैल्यूज पास करवा दी थी, इसी तरह से हम चाहें तो एरे की जो वैल्यूज हैं उनको भी डिस्ट्रक्चरिंग करवाते हुए मुख्तलिफ वेरिएबल्स में पास ऑन करवा सकते हैं, और चाहें तो हम प्रिंट एलन करवा दें या चाहें तो कुछ और किसी कैलकुलेशन में यूज़ कर लें। तो यहाँ पे देखें वो एग्जांपल इन्होंने जो दी हुई है सर वाली स्लाइड्स में वो ये दी हुई है कि इन्होंने एक एरे डिक्लेयर किया जिसका नाम था ए, और उसके अंदर इन्होंने पांच वैल्यूज डाल दी 1 2 3 4 5। फिर उन्होंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम था एलिमेंट, लेट एलिमेंट इज इक्वल टू 3, उस एलिमेंट की वैल्यू वैल्यू दे दी 3। उसके बाद उन्होंने प्रिंट एलन करवाया द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इज ए और फिर ब्रैकेट में एलिमेंट। तो अब क्या होगा कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो एलिमेंट की क्या वैल्यू है 3, तो यहाँ पे मैं मतलब लिखा हुआ आ जाएगा ए और स्क्वेयर ब्रैकेट में 3, क्योंकि एलिमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपनी वैल्यू में, तो एलिमेंट की वैल्यू थी 3। तो यहाँ पे ए ऑफ 3 एक्सेस होगा, ए ऑफ 3 कहाँ पे है, यहाँ पे हम ए में जाके देखते हैं 1 जो है ये 0 वाले इंडेक्स में पड़ा हुआ है, ये 1 वाले इंडेक्स में पड़ा हुआ है, ये 2 वाले इंडेक्स में पड़ा हुआ है, ये 4 जो है ना ये है वो वैल्यू जो ए ऑफ 3 में पड़ी हुई है, ठीक है, ए के इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर ये वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये प्रोग्राम प्रिंट कर देगा द वैल्यू ऑफ, ये प्रोग्राम प्रिंट कर देगा द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इज 4, क्योंकि यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लेते हैं अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन। इससे पहले मैं आपका वो जवाब दे दूँ, उसमें होता ये है कि हम फॉर एग्जांपल डेटाबेस में जाएंगे, उसमें हमारे 100 ऑफ स्टूडेंट का डाटा पड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे कि उस डाटा को एरे में ले आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे 100 एलिमेंट्स की, और उन 100 एक मिनट में अगर हम म्यूट कर दें ये खत्म कर देता हूँ, नहीं हो रहा है ना। ओके, तो हम ये करेंगे कि हम वो डेटाबेस से वो 100 ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यूज उठा लेंगे, उनको रेलेवेंट एरेज में पोस्ट कर देंगे, और फिर उनको एक्सेस करने के लिए हम हंड्रेड्स ऑफ जो स्टूडेंट के ऊपर बनी हुई एरे है ना उसको फिर हम लूप लगा के एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ हम ये थोड़ा सा हमारा जो नेक्स्ट वीक है ना उसमें हमने ये लूप्स वगैरह ही पढ़ने हैं, वही हमारा आखिरी चीज़ है जहाँ तक अभी तक सर ने हमें पढ़ाया हुआ है। तो अगले वाले वीक में जब हम ये मंडे से ऑनवर्ड जब हम लूप पढ़ेंगे ना तो फिर हम उसमें देखेंगे कि हम हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज अगर आ रही है, उनसे आप कह रही हैं कि यार एक इतने ज़्यादा अगर लोग पास होते हैं जो हमारा जितना यहाँ पे हजारों लोगों ने इसमें एडमिशन लिया इस्लामाबाद में इस बैच 3 में, तो उनकी वैल्यूज हम इनिशियली डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और फिर जब हमें एक्सेस करना होगा प्रोग्राम में यूज करना होगा तो हम डेटाबेस से उठा के एरेस में ले आएंगे और एरेस को लूप लगा के फिर वन बाय वन एक्सेस करते रहेंगे, बजाय इसके कि हम मतलब एरे डॉट वन और एरे डॉट टू और एरे डॉट थ्री करके एक करके लिखते रहें। तो उसमें लूप्स वाला जब कंसेप्ट होगा ना तो फिर आपके सामने पूरी क्लियर पिक्चर हो जाएगी, लेकिन उस लूप के कंसेप्ट से पहले आपको एरे को एक्सेस करने का
जनरल तरीका जरूर आना चाहिए जो कि इस तरह से था कि जिस तरह से अभी हमने अपने प्रोग्राम में, जो कि मैं आपके साथ अभी सामने स्क्रीन पे ले भी आता हूँ, ये वाला, तो यहाँ पे हमने इसको एक्सेस किया था पास स्टूडेंट डॉट जीरो, पास स्टूडेंट सॉरी ब्रैकेट वन, पास स्टूडेंट ब्रैकेट टू, इस तरह से ना। तो अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट होते और हमें वाइल का लूप बनाना ना आता या लूपिंग ना आती होती, तो हमें यहाँ पे अगर 100 स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करना है तो हमें यहाँ पे इसी तरह से 100 लाइंस लिखनी पड़ती, ठीक है। तो लूप के जो कंसेप्ट हैं वो हमें वो 100 लाइंस वाले मुसीबत से बचा लेंगे, और वो हम चंद लाइनों का कोड लिखेंगे और वो चंद लाइनों का कोड 100 या 1000 स्टूडेंट्स के डाटा को हमारे सामने ले आएगा एरे में से उठा के, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम अगले वीक के जब एंड में पहुंचेंगे ना, तो आपका ये वाला इशू क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सेस वाला काम कैसे होता है। अच्छा, इसके अलावा कोई एरे या टूपल के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछ लें, क्योंकि हमारे आखिरी 5 मिनट हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, और कल अब हम संडे है तो थोड़ा सा ऑफ लेंगे, और मंडे से इंशाल्लाह 9:30 बजे जो है ना, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे जो कि लूप्स के ऊपर होगा, कि हम उसमें वाइल लूप और खाली वाली जो लूप थी वो, इसी तरह शायद सर ने फॉर लूप पढ़ा दी, अगर तो फॉर लूप को भी ज़रूर देख लेंगे, अगर नहीं पढ़ाई तो फॉर लूप को रहने देंगे जब तक सर उसको कवर नहीं करते क्लास में। तो ऐसा है कि फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और वैसे भी अगर आपको कोई इशू हो या कोई मजीद कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो लेटर ऑन, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो इन सारे कॉन्सेप्ट्स की, तो आप बिला तकल्लुफ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और ऐसा है कि फिर अभी इजाज़त चाहता हूँ मैं आप लोगों से, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।